बच्चों, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड यानी कि प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक वाले पेपर में अपन कल मनु के विचारों को जानना शुरू किया था। मनुस्मृति के बारे में प्रारंभिक बातें बताई थी। मनु के विचार विशेष रूप से राज्य के बारे में मैंने बताया था कि राज्य, दंड और धर्म किस प्रकार संबद्ध है एक दूसरे से, और किस प्रकार मनु का राज्य जो है वो एक धर्म आधारित राज्य है, और धर्म का जो मतलब वहां पर मनु का है वो आधुनिक संदर्भ में जो धर्म है, मत पंथ है, उस संदर्भ में नहीं था, बल्कि उस समय मनु का धर्म राज्य के लिए कर्तव्य था। तो जैसा मैं कह रहा था कि राज्य और धर्म का संबंध मनु ने बताया, लेकिन वो धर्म जो है वो मैंने रिपीट किया कि वो आधुनिक संदर्भ में जो धर्म है वो नहीं था। असल में मनु जिस दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे, मनुस्मृति में जिस दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, वहां पर राज्य और राजा यानी शासक का संबंध कर्तव्य से है। उस कर्तव्य को ही धर्म की संज्ञा दी गई है, और इसलिए अगर उस कर्तव्य में शासक या राजा असफल होता है तो फिर वो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए राज्य का सिद्धांत तो दिया मनु ने, लेकिन वो राज्य का सिद्धांत कर्तव्य परायणता के संदर्भ में है, और इसलिए वो राजा को एक दैवीय प्रतिनिधि मानता है, क्योंकि वो दैवीय आदेश के आधार पर वो राज्य के अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। और साथ में एक बड़ी बात और है कि वह अपने नागरिकों यानी प्रजा को भी उनके कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करेगा। तो ये दैवीय सिद्धांत कुल मिलाकर मैंने कल भी बताया था कि ये अलग है जो आधुनिक दैवीय सिद्धांत है, डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट है, जैसे जेम्स प्रथम का है या फिर आपके हेगल का है, या वो जो है वो असल में मत पंथ यानी फेद कुल मिलाकर वो उसकी बात करते हैं, और वो उस ईश्वरीय सत्ता की बात करते हैं जो मत पंथ पर आधारित है। यहाँ पर जो मनु का ये जो सिद्धांत है वो कर्तव्य वसमें ठीक है। खैर, ये राज्य के बारे में बताया, और साथ में मैंने दंड के लिए भी कहा था कि दंड जो है वो राज्य का एक माध्यम है, राजा के हाथ में एक माध्यम है उस कर्तव्य परायणता यानी धर्म को बहुत ही निष्पक्ष रूप से लागू करवाने के लिए। तो राज्य, धर्म और दंड तीनों ही एक बहुत ही इंटीमेटली बहुत ही इनका एक बहुत ही अंतरंग संबंध है, और ये कुल मिलाकर एक सुशासित एक अच्छे राज्य की ओर ले जाता है। अब जब मनु ने राज्य की बात की तो राज्य के सिद्धांतों और राज्य के अंगों के बारे में भी चर्चा की। देखिए, जो मॉडर्न स्टेट है, आधुनिक राज्य है, उसके बारे में कई बार हम पढ़ते हैं कि राज्य जो है वो एक आधुनिक संस्था है, राज्य जो है वो अलग अलग सिद्धांत है। अपन दैवीय सिद्धांत कहते देखे तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। कोई कहता है कि लोगों ने मिलकर बनाया, सामाजिक समझौते के द्वारा बनाया। कोई कहता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐतिहासिक रूप से विकास हुआ इसका। लेकिन ये राज्य जो है अस्तित्व में जैसे भी आया, राज्य का अस्तित्व किन आधारों पर है, तो फिर अंगों की चर्चा होती है, और फिर आती है बात राज्य के सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग सिद्धांत यानी राज्य के सात अनिवार्य अंग, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में है, और उससे ये क्लियर होगा कि राज्य एक एफिशिएंट जो है वो एक संस्था के रूप में विजुअलाइज किया गया है, उसकी कल्पना की गई है, जिससे वो अपने प्रजा अपने नागरिकों के हितों की रक्षा कर सके। वो राज्य मजबूत भी होना चाहिए, वो राज्य सस्टेनेबल भी होना चाहिए यानी कि टिकाऊ भी होना चाहिए, और वो राज्य ऐसा होना चाहिए जो अपने प्रजा की रक्षा दूसरे कॉम्पिटिटिव स्टेट्स यानी कि जो अपने शत्रु देश है उनसे भी रक्षा कर सके। तो ये सात अंग सप्तांग के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। मैं इसके बैकग्राउंड में यही बताऊं कि जो आधुनिक राज्य का सिद्धांत है वो कई बार हम कहते हैं जनसंख्या, भूभाग, है ना, सरकार, संप्रभुता, सॉवरेंटी, इन चार तत्वों की चर्चा होती है। इसके अलावा और भी कई तत्व हैं, लेकिन ये चार मुख्य तत्व हैं। ये क्लियर होगा सप्तांग के बाद कि असल में ये चार तत्व जो है वो तो थोड़े से संकीर्ण है। ये सप्तांग सिद्धांत जो है वो और भी ब्रॉडली राज्य के अंगों को डिस्कस करता है, समझाता है।
मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है, और इसके अनुसार राज्य की सात प्रकृतियां, अपन तत्व के रूप में समझते हैं इसको, अंग के रूप में, लेकिन वो प्रकृति की बात होती है वहां पे। सबसे पहला है स्वामी अथवा राजा। स्वामी स्वामी एक प्रमुख अंग है राज्य का, और स्वामी का आशय राजा या शासक से है। इसको आधुनिक संदर्भ में हम देखें तो शासक के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। और मनुस्मृति के अनुसार शासक या स्वामी राज्य की समस्त व्यवस्था में इसका सर्वोच्च स्थान प्राप्त इसको प्राप्त है, और इसलिए राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि हेड, यानी कि लीडरशिप। इसको हम आधुनिक राज्य के संदर्भ में देखें, जैसे फर्स्ट के पेपर में अपन पढ़ रहा है, तो वो लीडरशिप यानी नेतृत्व, यानी कि शासक है ना, यानी कि सरकार, वही जो आधुनिक काल में सरकार गार्नर कहता है, वो सरकार यानी स्वामी, हेड ऑफ द स्टेट। तो उसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, और राजा को, राजा के अपने गुण भी निर्धारित किए हैं, उन गुणों की चर्चा भी अपन बाद में करेंगे कि राजा यानी शासक यानी स्वामी के आवश्यक गुण शासन करने के लिए क्या क्या होने चाहिए ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। दूसरा जो है अंग, वो है मंत्री। मंत्री जिसको कि कई बार अपन प्राचीन भारतीय साहित्य में अमात्य के रूप में भी देखते हैं, अमात्य कहते हैं ना, अमात्य यानी मंत्री, मंत्री यानी एडवाइजर्स, यानी कि सलाहकार, राजा के अलग अलग विभागों के अलग अलग सलाहकार, जिसको कि आज भी हम मंत्री के रूप में जानते हैं ना, मिनिस्टर्स कहते हैं। तो जैसे इंग्लैंड में इनको सचिव कहते हैं, तो वो जो सलाहकार हैं वो एक अभिन्न अंग है, क्योंकि राज्य को और राजा को वो सुपथ से कुपथ नहीं होने देता, यानी कि वो उसको सही रास्ते पर ले जाने का की सलाह देता रहता है, और तदनुसार शासन सुशासन के रूप में चलता है। और मनु ने मंत्रियों के लिए भी गुण और योग्यताओं का उल्लेख बहुत ही विस्तार से किया है, क्योंकि गुणी मंत्री और जो जो वर्चुअस यानी कि जो योग्य अमात्य होंगे, वो राजा को सही परामर्श दे पाएंगे। तीसरा जो अंग है वो है पुर। पुर पुर का अर्थ है सामान्य अर्थ किला है ना, और किले से भी निकला हुआ यानी कि राजधानी है ना, राजधानी। अब हम जब कौटिल्य के ऊपर आएंगे, तो कौटिल्य ने जिन सप्तांग के सिद्धांत की चर्चा की है वो लगभग ऐसा है, लेकिन कुछ अंतर है। वो राजधानी पुर, और उसमें भी क्योंकि उसमें ध्रुव की अलग चर्चा होती है, खैर वो बाद में देखेंगे। तो पुर का मतलब होता है एक राजधानी जो कि सुरक्षित हो, जो कि किलेनुमा भौगोलिक इकाई के रूप में सुरक्षित हो। और ये राजधानी सुरक्षित होगी यानी कि पुर सुरक्षित होगा, तो फिर वो संपूर्ण राज्य भी सुरक्षित होगा, नागरिक भी, प्रजा भी सुरक्षित होंगी। इसलिए जो पुर है उसकी भी कई श्रेणियां बताई गई है सुरक्षा की दृष्टि से। और पुर का सामान्यतः अर्थ जो है अपन दुर्ग के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां हुई है शासकों की, वो दुर्ग के भीतर ही हुई है। आज भी उसके अवशेष आप देखेंगे, दुर्ग के भीतर ही राजधानी हुई है। तो पुर मतलब राजधानी यानी कि किला, और इसके कई सारे अलग अलग प्रकार हैं किले किलों के, जिसका कि उल्लेख मनुस्मृति में भी किया गया है, चाहे वो दानवन दुर्ग हो, जल दुर्ग हो, वृक्ष दुर्ग हो, या फिर गिरी दुर्ग हो, ये बहुत सारी दुर्गों यानी कि किले की वैरायटीज है, जो सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग श्रेणी में आते हैं। अब चौथा जो है वो है राज्य। अब राज्य का मतलब यहाँ पर बाद में जनपद से भी ले सकते हैं। राज्य का प्रयोग जो है वो जनपद यानी कि एक वृहत राज्य, राजधानी एक हुई, और यानी कि एक बड़ी भौगोलिक इकाई। राज्य का मतलब एक बड़ी भौगोलिक इकाई जिसके संपूर्ण क्षेत्र में, जैसे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन मगध का साम्राज्य सिर्फ पाटलिपुत्र नहीं था, तो वो जो राज्य है, साम्राज्य है, वो असल में राज्य है, वो दरअसल जनपद के रूप में जाना जाता है। और इसलिए वो जनपद जो है वो बृहत होता है। पुर यानी राजधानी एक छोटी इकाई है, और जनपद यानी कि ये राज्य है, ये एक वृहत इकाई है। और इसलिए कौटिल्य जो है बाद में इसको क्लियरली स्पष्ट इस और करता है जब वो जनपद शब्द का ही प्रयोग करते हैं, है ना। तो एक राज्य एक ऐसी भौगोलिक इकाई है, वृहत भौगोलिक इकाई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग यानी जनसंख्या निवास करती है ना। तो अब हम देखें आधुनिक काल के राज्य से तुलना करें, तो जनसंख्या और भौगोलिक इकाई दोनों ही को समाहित किए हुए है ये राज्य या जनपद, ठीक है।
पांचवा जो अंग है वो है कोष। अब कोष बहुत इंपॉर्टेंट है, कोष। अब आधुनिक काल में हम देखते हैं कि बजट है ना, यानी कि राज्य के पास जो संसाधन है वो, अब वो संसाधन कितना है इसके ऊपर ही राज्य का स्थायित्व तो राज्य की सुरक्षा निर्भर करती है। कोष न सिर्फ इसका एक अति महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि मनु का तो मानना है कि राजा के पास यदि समुचित मात्रा में कोष न हो तो वो प्रजा के कल्याण के लिए जो दायित्व तो निर्धारित दायित्व है वो उसकी उसका निर्वहन कर ही नहीं सकता, उसको पूरा कर ही नहीं सकता। इसलिए कोष बहुत जरूरी है। इसलिए हम जानते हैं कि प्राचीन काल में सभी राज्यों में कोष की बड़ी व्यवस्था होती थी। कोष के लिए उपयुक्त जो कर भी लगाए जाते थे, और एक बड़ा कोषाध्यक्ष भी होता था, राज्य का बड़ा कोषाध्यक्ष भी होता था, और कोष का प्रयोग भी बहुत ही एक दायित्व के साथ किया जाता था। इसी से युद्ध भी लड़े जाते थे, युद्ध संभव होता था। सेना, एक स्टैंडिंग आर्मी, एक स्थिर स्थायी सेना का भी वे निकलता था। तो कोष बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है मनु के पूरी योजना में। एक और अंग है वो है दंड। दंड का आशय मैंने समझाया था, दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली सेना, और आज की तारीख में जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा और सुरक्षा बलों से है। और इसलिए मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है, हस्ती सेना, रथी सेना, रथ सेना, जल सेना जिसको नौसेना भी कहते हैं, पदाति यानी पैदल सेना, इन्फेंट्री, ये बहुत सारे इस तरह से दंड के अंग हैं। और कई बार ये दंड राज्य में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में भी काम करती थी, यानी कि कानून व्यवस्था लागू करने में भी इनकी महती भूमिका होती थी, अंदरूनी रूप में। युद्ध के समय में ये सेना के रूप में कार्य करते हैं, और अंदरूनी विद्रोह को या अन्य स्थितियों में ये राज्य को अस्थिरता से ही बचाते थे, जो दंड का बड़ा योगदान है। और फिर सातवां अंग जो है वो मित्र। मित्र इस पूरे राज्य के योजना में इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के सिद्धांत में, राज्य के सत्तांग सिद्धांत में इसकी अलग व्याख्या की गई है। जब वो मित्र के अनेक प्रकार और फिर मंडल सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करते हैं, लेकिन मनु के इसमें मित्र का आशय है कुल मिलाकर आप अन्य देशों के साथ मित्रता और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध किस प्रकार स्थापित किए जाए, कौन आपका शत्रु हो सकता है, कौन आपका मित्र हो सकता है अंतरराष्ट्रीय जगत में, उसकी पहचान करना और तदनुसार उनसे अपने संबंध कायम करना। तो ये विदेश नीति का एक बड़ा माध्यम था, और मित्र होने चाहिए, क्योंकि तो या कोई भी राज्य लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता, स्थायी नहीं रह सकता, यदि वो उसके सारे के सारे शत्रु हो जाए देश पड़ोस में या फिर अन्य। तो इसलिए मित्र आपको कठिन परिस्थितियों में एक सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। और हम इसलिए देखते हैं कि प्राचीन काल में, चाहे वो महाभारत का युद्ध देखें या उससे पहले के अनेक युद्ध देखें, तो उसमें अलग-अलग मित्र सेनाएं आपस में युद्ध करती थी, यानी कि एक राज्य अकेला युद्ध नहीं करता था, उसके कई सारे मित्र राष्ट्र भी होते थे। तो ये बहुत स्पष्ट है कि राज्य की ये अंग या जो प्रकृतियां हैं, तो राज्य को एक बहुत ही विकसित और एक स्थायी राज्य बनाने की दिशा में ले जाने वाला इसकी योजना थी। और मनु ने इसलिए सप्तम अध्याय में कहा भी है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होती है, तो उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। तो इन प्रकृतियों की पूर्ति के लिए ही राज्य का अस्तित्व है, और ये प्रकृतियां अंततः हैं कुल मिलाकर राज्य, कुल मिलाकर जन कल्याण और अपने प्रजा के हित में ही अस्तित्व में रहता है, ऐसा मनु का भी मानना था। इसके बाद अपन और भी शासक के बारे में और शासक के गुणों के बारे में चर्चा करें।